हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यहाँ हिंदी में तैयारी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मित्र सुजीत कुमार, और वापस आ गया हूँ हिंदुस्तान टाइम्स के खबरों के साथ। आज तारीख है 7 मार्च 2019 और दिन है थर्सडे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। तो बिहार 3 सिटी अमंग 30 वर्स्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो कि 30 सबसे पोल्यूटेड सिटी है, प्रदूषित शहर है, उनमें बिहार का भी 3 शहर है। तो वो कौन कौन से शहर हैं? तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया। पटना का जो रैंक है वो 7th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में है, देन मुजफ्फरपुर, उसके बाद गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, एक ये सर्वे की गई थी, द ग्लोबल पोल्यूशन वॉच ग्रीन पीस अलॉन्ग विथ एयर विजुअल इन जेनेवा रिसेंटली, इनके द्वारा रिलीज की गई थी। द ग्लोबल पोल्यूशन वॉच ग्रीन पीस अलॉन्ग विथ एयर विजुअल इन जेनेवा रिसेंटली, इनके द्वारा रिलीज की गई थी ये इंडेक्स रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर इन 2019, ये एयर का जो क्वालिटी है 2019 में, इसके अनुसार अगर एनालाइज किया गया तो एयर क्वालिटी जो है पटना और मुजफ्फरपुर गया का वो इतना इतना और इतना रहा था। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं। तो विच फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप टू मॉडरेट, जो कि ये जो मतलब जिस हिसाब से इन्हें क्या बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स मिला है, उसके अनुसार ये इस कैटेगरी में आ जा रहे हैं कि अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप टू मॉडरेट के लेवल में आ जा रहे हैं। मतलब इनका जो कैटेगरी है वो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप से मॉडरेट लेवल पे है। तो ये क्या होती है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप टू मॉडरेट, ये होती है आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर से, ये अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप इन द रेंज ऑफ 101 से 150, यानी कि 101 से 150 के बीच में अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप के कैटेगरी में आता है। वहीं अगर हम मॉडरेट की बात करें तो 51 से 100 के बीच में मॉडरेट कैटेगरी में आती है, ठीक है। और जो सब गुड होती है, यानी कि गुड अच्छा क्वालिटी कैटेगरी में आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका जो रेंज होता है वो 0 से 50 के बीच में होती है। तो अपना जो बिहार है ये है और ये है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो जो सबसे मतलब ये जो 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड में, उसमें से बिहार का सॉरी बिहार नहीं पूरे भारत का 22 सिटी है जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं पोल्यूटेड है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंडिया का पोल्यूटेड सिटी है वो है गुरुग्राम जिसको गुड़गांव कहते थे, फिर है गाजियाबाद, फरीदाबाद हरियाणा में है, और भिवाड़ी एंड नोएडा, देन उसके बाद हमारा आता है क्या पटना, ओके। तो पटना का रैंक क्या है 7 है, 7th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पटना। तो ये आपको याद रखनी है, ये तो मैंने बतला ही दिया। हाँ, तो कभी कभी मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रदूषण से रिलेटेड, या कुछ भी पूछे जा रहे हों इस तरह से, तो आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स डाल सकते हैं। तो जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया कि क्या कारण है कि पटना का स्थिति इतना गिर गया कि वो 7th पोजीशन पे आ गया, तो इसके कुछ कुछ कारण हैं, वो अगर आप जान लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सॉरी अब ये लगा परेशान करने में, अब देख रहे हैं यहाँ पर ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ PM2.5 फाइन मैटर ऑफ मटेरियल ऑफ इन द एयर ड्यूरिंग द विंटर। तो ये जो है मतलब कि पटना का जनरली हैज़ गिव डाउन टू अराउंड 400 पार्टिकुलरली
पटना का जो एयर क्वालिटी है बहुत ही गंदा है, वो इसलिए कि यहाँ जो PM2.5 का कंसंट्रेशन है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो कंसंट्रेशन है, वो हमारे विंटर सीजन में और भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण एयर क्वालिटी पटना का बहुत ही ख़राब हो जाता है। और एक और फैक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि BSPCB, ये जो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, उनके रिसर्च क्लेम कर रहे थे कि स्मोक एमिटिंग फ्रॉम व्हीकल्स इज द स्टेटेड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डिटोरिएटिंग द क्वालिटी ऑफ एयर इन पटना। ये जो हमारे व्हीकल यानी गाड़ी के जो गाड़ी से जो भी धुएं निकलते हैं, स्मोक एमिटिंग होती है, वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस एयर क्वालिटी के खराब होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके एंड अगर अनदर एक पॉइंट की बात करें तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि एलोवियल सॉयल एंड इंडस्ट्रियल, इनका जो क्या बोलते कंट्रीब्यूशन है 18% है एलोवियल सॉयल का, वहीं अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करें तो 22% है। और रेसिडेंशियल कोनोली यानी कि जो हम लोग या हमारे आप के जैसे लोग, इसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, 6% कंट्रीब्यूशन द टोटल पोल्यूशन। टोटल पोल्यूशन में हम लोग 6% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, जो कि 22% है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मेंस में काम देंगे आपको। एक और न्यूज़ है, स्पाइस जेट टू स्टार्ट बुकिंग फ्लाइट फ्रॉम दरभंगा। अब दरभंगा से भी जहाज़ें उड़ेगी। तो हुआ ये है कि दरभंगा जो है इज़ द ओनली सिटी इन अ स्टेट यानी कि बिहार स्टेट में सो फार टू गेट सिविल एविएशन फैसिलिटी। बिहार का एक अकेला मतलब ऐसा पहला राज्य है दरभंगा, जो कि सिविल एविएशन फैसिलिटी दिया गया है, यानी कि अब वहाँ से हवाई जहाज़ें उड़ सकेगी, आप लोग इधर से उधर ट्रेवल कर सकेंगे अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान जो भारत सरकार की स्कीम थी, उसके तहत ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है, उसके तहत सिविल एविएशन फैसिलिटी दरभंगा में दी गई है। दरभंगा जो है 5th लार्जेस्ट सिटी है बिहार का। ये 1 मई से शुरू हो जाएगी बुकिंग और आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो उड़ान का जो फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक, ये आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये लेक्चर आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।